जोधपुर के 3 साइबर ठगों को यूपी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के पास इनके साइबर ठगी से जुड़े होने का इनपुट था। यूपी में हुई ठगी का अमाउंट इनके खातों में आया तो पुलिस ने जोधपुर आकर आरोपियों को पकड़ा। यूपी पुलिस व यूपी की साइबर क्राइम की टीम और माता का थान थाने की टीम ने माता का थान क्षेत्र से साइबर ठगी के 3 आरोपियों को पकड़ा। इन आरोपियों से करोड़ों की ठगी का खुलासा हो सकता है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जयपुर से जोधपुर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में 3 घंटे में जयपुर से जोधपुर पहुंच सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने के राज्य सरकार ने केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की है और उन्होंने इसे बनाने का पूरा आश्वासन दिया है। पटेल ने बताया कि बजट के बाद अब बजट को धरातल पर जल्द से जल्द कैसे उतारा जाए इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर बजट के दूसरे दिन जयपुर में सभी सेक्रेटरी और मंत्री की बैठक में बजट की घोषणाओं के कार्यों की कैटेगरी तय की गई। जोधपुर में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य 2030 के तत्वाधान में गांधी जी के पर्यावरण विचारों की लगातार बढ़ती प्रासंगिकता पर जन जागृति यात्रा का आयोजन 2 अगस्त को होने जा रहा है। इसको लेकर गांधी सेवा प्रतिष्ठान में ब्रोशर का विमोचन किया गया, साथ ही बैठक का आयोजन हुआ। खिदमत एक खल्क ट्रेवल्स फाउंडेशन की ओर से महिला पीजी महाविद्यालय ऑडिटोरियम में शाम 4 बजे खिदमत एक खल्क ट्रेवल्स फाउंडेशन जोधपुर की ओर से शनिवार 20 जुलाई को शाम 4 बजे महिला पीजी महाविद्यालय ऑडिटोरियम में मुस्लिम प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले भर से आए फरियादियों की परिवेदनाओं को गंभीरता से सुनकर मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी माध्यम से प्राप्त आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारित करें।